नमस्कार, मेरा नाम शैलजा पांडे है। मैंने यूपीएससी सीएसई 2020 में 61 रैंक सिक्योर की है। इससे पहले मैं सीएसई 2018 से इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में थी। मैंने अपना ये अटेम्प्ट सर्विस के साथ साथ ही दिया, इसलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आप कैसे सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग जो मैं आपसे कहूंगी इज सेल्फ डिसिप्लिन। आपको हर दिन अपने लिए 4 to 6 आवर्स पढ़ाई के लिए निकालने ही पड़ेंगे। कुछ क्यों ना हो जाए, भले ही आपका कोई मीटिंग हो जाए या कोई इम्पोर्टेंट इवेंट हो जाए, लेकिन फिर भी जितना हो सके आप डिसिप्लिन तरीके से अपने लिए पढ़ाई को टाइम दें। फिर मैं कहना चाहूंगी कि सेल्फ रिस्ट्रेंट। कई बार बहुत सारे पार्टीज भी हमारे सर्विस में होते हैं, तो उसमें अगर कोई कंपलसरी इवेंट है तो आप जाएं, लेकिन अगर कुछ वॉलेंटरी है जहां आपके फ्रेंड्स आपको बोलते हैं कि चलो, आपका मन तो है लेकिन आपका एक और पर्पस है, ये सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्लियर करना, इसलिए आपको अपने आप को रिस्ट्रेंट करके पढ़ाई में ध्यान लगाना की बहुत जरूरत रहेगी। Oops, इस रुकावट के लिए सॉरी, पर आपकी यूपीएससी की तैयारी में कोई बाधा ना आए, चाहे वो रिसोर्सेस की हो या सही गाइडेंस की। इसके लिए पिछले 5 साल से स्लीपी क्लासेस क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है अफोर्डेबल प्राइसेस पे। यूपीएससी कोचिंग में हमने एक भ्रम को तोड़ा है कि ओल्डेस्ट इज द बेस्ट या महंगा सबसे बेहतर है, और हमारी सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज इस बात की गवाह हैं। तो आइए अपनी यूपीएससी की जर्नी शुरू कीजिए हमारे साथ, जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल पे और एनरोल कीजिए यूपीएससी 2022 और 23 के कोर्सेज के लिए हमारी ऐप पर। धन्यवाद। इसके सिवाय आपको अपनी सर्विस में बहुत सारे असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, आपका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, इसलिए फोकस को खो देना बहुत आसान रहता है। लेकिन आपको अपना फोकस और कंसंट्रेशन बहुत शार्प रखना है। कितने ज्यादा घंटे आप पढ़े, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कितना कंसंट्रेशन से और कितना पूरी अटेंशन देकर आप अपने आप की स्टडी कर सकते हैं। इसके अलग पॉइंट जो है कि आप इसके लिए मेडिटेशन भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप 10 मिनट्स अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो कामनेस आ जाती है, जिससे कि आपको अपने पढ़ाई में ध्यान लगाने में हेल्प मिल सकती है। आप YouTube पे भी 5 to 10 मिनट मेडिटेशन वीडियो देखकर अपने फोकस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद मैं कहूंगी कि एक पर्पस आप हमेशा स्ट्रांग रखिए। अगर आपको रीजन पता है कि आपको क्यों सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आता है, अगर आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं कि एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप क्या क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं, किस तरीके से आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं और अपनी एक लेगेसी छोड़ सकते हैं, तो आपको जरूर कितनी ही कठिनाई क्यों ना आए, आप उन सबको छोड़ के हुए इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसलिए एक सेंस ऑफ पर्पस होना बहुत जरूरी है। आप एक नोटबुक में अपने रीजंस लिखिए और बार बार जब भी आपको लगे कि वर्क के साथ बहुत डिफिकल्ट हो रहा है उसको रिवाइज कीजिए। दूसरे जो आप देखते हैं कुछ फेलिसिटेशन हो रहा है या किसी और की सक्सेस स्टोरी है, किसी को कोई अच्छे काम पे अवार्ड मिला है, तो उससे भी आप अपना मोटिवेशन लेते रहें। इसके साथ साथ मैं कहूंगी कि क्रिएटिविटी थोड़ी प्रिपरेशन में लानी भी बहुत जरूरी है। जैसे कि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम न्यूज़पेपर से ही नोट्स बनाते हैं, लेकिन अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो ये आप नहीं कर सकते क्योंकि टाइम थोड़ा कम रहता है। इसलिए इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल द मंथली मैगजीन्स, आप बस फाइनल कंपाइलेशन जो आता है उसको ही पढ़ें। तो ऐसे अगर आप क्रिएटिविटी लेके आएंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आप ज्यादा अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। इसके साथ साथ अपने आप पे फेथ रखना भी बहुत जरूरी है। कई बार जब आपको टाइम कम मिलेगा और बाकी सब कम से कम 12 to 14 आवर्स पढ़ रहे होंगे और आप 12 to 14 आवर्स तो अपने काम पे ही होंगे, तो आपको लगेगा कि क्या ये मुमकिन है कि नहीं। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस और फेथ रखना बहुत जरूरी है। किसी भी समय अपने आपको ये ना बोलें कि ये तो मैं कर ही नहीं सकती। आपको हमेशा अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहने हैं।
अलॉन्ग विद दिस आपको बहुत सारे टाइम सेविंग टेक्निक्स भी ढूंढने पड़ेंगे। जैसे हम जब भी अटैचमेंट्स के लिए जाते थे तो बस में बैठ के हम बहुत सब या तो अपने टेस्ट पेपर्स रिवाइज करते थे या तो कुछ रिकॉर्ड करके उसको बार बार सुनते थे ताकि हमारा कम्यूटेशन का टाइम भी यूज हो सके। इसके सिवाय अगर हम वीकेंड्स पे ट्रैक पे जाते थे तो भी कुछ ना कुछ पढ़ लेते थे ताकि हम अपने टाइम को इफिशियंटली यूटिलाइज कर सकें। ये सारी टैक्टिक्स, ब्रेक्स को कैसे यूटिलाइज किया जाए, लंच ब्रेक में अगर 1 आवर का है तो 1/2 आवर लंच ब्रेक कीजिए और उसके 1/2 आवर में कुछ न्यूज़पेपर या फिर कोई वीडियो देख लीजिए, इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ मैं कहूंगी कि एक एम्बिवेलेंस होना भी बहुत जरूरी है। आपको दोनों चीजों को बैलेंस करके रखना है। अगर आप अपनी जॉब में बिल्कुल ही ध्यान नहीं देंगे तो भी बहुत ही नेगेटिव रिपरकशंस हो सकते हैं। आपकी जॉब की वजह से आपको सिक्योरिटी आई है, उससे आपको सैलरी आती है और उसके वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। इसलिए अपने जॉब को नेगेटिवली ना लें। आप दोनों चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा जॉब में भी फोकस करें, अपने सीनियर्स को हमेशा खुश रखें, क्योंकि अगर आपके सीनियर्स आपसे नाराज हो जाते हैं तो फिर वो हो सकता है आपको छुट्टी देने में या आपको प्रेपरेशन कराने में थोड़ी प्रॉब्लम कर सकते हैं। अपने कलीग्स के साथ एक कॉर्डियल रिलेशन बनाए रखें और इस तरीके से एक एम्बिवेलेंट तरीके से आप दोनों को बैलेंस कीजिए, किसी एक चीज को बहुत फोकस, दूसरी चीज को निग्लेक्ट ना करें। इसके साथ साथ नोट मेकिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एग्जाम से पहले भी कई बार छुट्टी नहीं मिलती है। हमको भी एग्जाम से पहले छुट्टी मिलने में परेशानी होती थी, इसलिए पूरी बुक रिवाइज करना बहुत ही कठिन रहता है। आप अपने नोट्स बनाएं और नोट्स बनाने के लिए आप, मैं कहूंगी कि 2-3 रीडिंग्स के बाद ही नोट्स बनाएं और उन नोट्स को भी हाईलाइट कीजिए जो कि आपको थोड़ा कठिन लग रहा है। नोट्स बनाने के बाद भी एग्जाम के एक दिन पहले आप फर्दर कंसाइज नोट्स बना सकते हैं जिसमें बस वो चीजें जो कि आपको बहुत ही भूलने को हो रही हैं आपने लिखी हूं। इसके साथ साथ कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है। आप ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं ले सकते, भले ही किसी दिन आपको बस 2 घंटे का टाइम पढ़ने को मिला हो, लेकिन एटलीस्ट वो तो निकालिए। अगर आप 3-4 दिन, अगर आप 1 हफ्ते का ब्रेक ले लेंगे तो हो सकता है कि दोबारा मोमेंटम बनाने में आपको परेशानी आए। इसलिए भले ही आप कम पढ़े, 4 घंटे ही पढ़े, लेकिन कंसिस्टेंटली कोई फंक्शन क्यों ना हो, एक पेस के साथ, एक रिदम के साथ लगातार आप पढ़ते रहें। इसके साथ साथ मैं कहूंगी कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना भी बहुत जरूरी है। इस जर्नी को आप इंजॉय कीजिए, कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना कीजिए कि दूसरों को तो इतना टाइम है। मैं आपको बताऊंगी कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि BSF जैसी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में रहते हुए भी ये एग्जाम क्लियर कर पाए हैं। कितने सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने की स्कूल की या कॉलेज की एजुकेशन के लिए लोन लिया था, इसलिए उनको जॉब करना जरूरी था और प्राइवेट जॉब में इतना स्ट्रिक्ट वर्क एनवायरमेंट के बाद भी उन्होंने ये एग्जाम क्लियर किया है। इसलिए इस जर्नी को इंजॉय कीजिए। आप इसको बर्डन की तरह मत लीजिए कि अरे मैं 2-2 चीज कैसे करूंगी, बल्कि आप इसको हर एक मोमेंट को इंजॉय करके आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। DKT UPSC CS। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSE चैनल। यहां आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। इसके साथ साथ वीकेंड्स और हॉलीडेज का फुल यूटिलाइजेशन कीजिए। जो लोग बस वर्क कर रहे हैं उनके लिए तो जो वीकेंड होता है या जो हॉलीडे होता है वो एक फन फिल्ड टाइम, जब वो मजे करते हैं, रिलैक्स करते हैं, वो होता है। लेकिन आपके लिए वीकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट है, जब आप सबसे ज्यादा कोर्स कवर कर पाएंगे बिना किसी चिंता के। इसलिए वीकेंड्स को बहुत सीरियसली लें और एक टाइम शेड्यूल अपना कोई बनाए रखें कि इस वीकेंड पे मैं ये पर्टिकुलर मॉड्यूल या ये पर्टिकुलर बुक कंप्लीट करूंगी। इसके साथ साथ अगर आप कोलैबोरेट कर सकते हैं अपने पीयर्स के साथ तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि अगर आपके साथ कोई पढ़ रहा है जो कि UPSC की ही तैयारी कर रहा है या कर रही है, और अगर आपको लगता है कि वो आपकी हेल्प कर सकते हैं तो आप उनसे थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं कैसे इम्प्रूव करूं, अच्छा आज के न्यूज़पेपर में ये सब आया था तो इसमें तुम्हारा क्या ओपिनियन है, कैसे मैं अपनी आंसर राइटिंग इम्प्रूव करूं, अपने नोट्स शेयर कर सकते हैं, तो इससे भी आपका काम थोड़ा कम हो सकता है।
एंड में मैं इतना ही कहूंगी कि अगर मैं कर सकती हूं तो आप भी कर सकते हैं, इसलिए पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप जरूर अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन को जारी रखें। और मैं आपको विश करूंगी ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।